दोस्तों, अगर आप रेडमी नोट 9 प्रो या रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स या रेडमी नोट 9S, आपके पास कोई भी स्मार्टफोन है रेडमी नोट 9 सीरीज़ का, जी हाँ, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। मैं आज आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। रेडमी नोट 9 सीरीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी स्मार्टफोन हो, रेडमी नोट 9 या रेडमी नोट 9 प्रो के स्मार्टफोन कोई भी हो आपके पास, तो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। मैं आज आपको अपडेट की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और अपडेट आपको नेक्स्ट कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, अपडेट सस्पेंड हो चुके हैं, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको MIUI 14 का अपडेट मिल चुका होगा, ठीक है। रेडमी नोट 9 प्रो के अंदर भी मिल चुका है, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के अंदर भी मिल चुका है, रेडमी नोट 9 एस हो गया, रेडमी नोट 9 हो गया, तो इनके अंदर अगर नहीं मिला तो जल्दी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, एक बुरी खबर ये है कि रेडमी नोट 9 के जितने भी स्मार्टफोन हैं, ठीक है, जितने भी स्मार्टफोन हैं रेडमी नोट 9 सीरीज़ की, तो उसके अंदर ये अपडेट लास्ट होने वाले हैं। जी हाँ, आप बोलेंगे लास्ट क्यों होने वाले हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि MIUI 14 का अपडेट लास्ट होने वाला है, क्योंकि एंड्रॉयड 13 का भी आपको अपडेट नहीं मिला है, ठीक है। एंड्रॉयड 12 के साथ में ही MIUI 14 का अपडेट आपको मिला है, ठीक है। आपको ना ही एंड्रॉयड 13 का अपडेट दिया जाएगा, ना ही आपको कोई MIUI 14 के बाद में अपडेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला अपडेट MIUI 14 का था, आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स तो मिले ही नहीं है, ठीक है, कुछ ज़्यादा फीचर्स तो नहीं मिले हैं, सिर्फ आपको बेसिक से ही फीचर मिल जाते हैं। और MIUI 14 का सिर्फ आपको नाम ही नाम देखने को मिलता है इन डिवाइस के अंदर, ज़्यादा कुछ फीचर्स तो चेंजेस नहीं किए गए हैं इस इन्फो अपडेट के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों, अपडेट आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके फ़ोन के अंदर MIUI 14 अपडेट आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद में आपको कोई भी अपडेट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इजीली आप जो है कस्टम रोम भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको अपडेट करना है तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। अपडेट सारे अपडेट बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ MIUI 14 का ये पहला ही अपडेट है और लास्ट अपडेट है, ठीक है। सिर्फ इसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं दिए जाएंगे, कोई भी अपडेट नहीं दिया जाएगा, जैसा आपका फ़ोन है वैसा ही चलेगा, ठीक है। दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएं और आपको अपडेट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।